घरेलू नाचाकी का खौफनाक अंजाम। लिटन रोड पर शोहर ने पहले बीवी और बच्चे को कत्ल किया, फिर खुद को गोली मारकर जिंदगी खत्म कर ली। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। हुकूमत बदल गई मगर महकमा सेहत की हालत ना बदली। शहर की डिस्पेंसरियां और मां बचा हेल्थ सेंटर्स बुनियादी सहूलियात से महरूम, डॉक्टर्स ना अमला। 8 डिस्पेंसरियों पर मकामी अफराद ने कब्जा जमा लिया। डबल शाखा मिल की थी प्लॉट नैब से खरीदने का मामला। साबिक सूबाई वजीर सनत शेख अलाउद्दीन नैब में पेश। शेख अलाउद्दीन कहते हैं एक धेले की भी करप्शन नहीं की, जरूरी कागजी कार्रवाई के लिए पेश हुआ। LDA का कमर्शलाइजेशन के लिए एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाने का फैसला। कमर्शलाइजेशन फीस नादहिंदगान को 14% सरचार्ज आयद किया जाएगा। शोबाई कमर्शलाइजेशन ने तजावीज गवर्निंग बॉडी को जमा करवा दी। DHA स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के इंतखाबात की गहमा गहमी। डिफेंस गोल मार्केट के जेर एहतमाम। अलखिदमत ग्रुप के एजाज में तकरीब। ताजरों का मियां तलत की भरपूर हमायत का ऐलान। मियां तलत बोले, दोस्तों के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। रियल स्टेट के शोबे में इनकलाबी इस्लाहात लाएंगे। और उमरा जायरीन के लिए अच्छी खबर। PIA के लाहौर से जदा के किराए में 4,000 रुपए कमी कर दी गई। किराया 72,000 कम करके 68,000 रुपए कर दिया गया।